नमस्कार, सत श्री अकाल। SSI ट्यूब में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त मैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्मस्थली में। वातावरण बिल्कुल खुशनुमा माहौल, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है, जिस तरह 3 दिनों से लगातार इस तख्त साहिब में, पूरे तख्त साहिब में तनाव की स्थिति थी और भारी बवाल हुई थी, इसकी आज पटाक्षेप कर दिया गया है। जिस तरह जो पत्र जारी कर यहाँ के पूर्व जत्थेदार रंजीत सिंह मस्किन जी पाठ करने गए, उसके बाद खूब बवाल हुई थी, धरना पर बैठे और तमाम जितने सिख संगत सिख सेवादार थे, एक आक्रोश से भावना हुई थी। तमाम प्रशासनिक अधिकारी आए थे। इसकी अभी एक खबर आई है कि यहाँ के सचिव हरबंस सिंह जी ने फिर पत्र जारी किया गया और उस पत्र में लिखा गया साफ कि पूर्व जत्थेदार रंजीत सिंह मस्किन अब गुरु साहब के घर पर पाठ करने नहीं जाएंगे। एक खुशी का माहौल है, खास करके सिख संगत का। ये हमारे बीच पत्र है और यहाँ पर जो तमाम जो सिख है, सत श्री अकाल जी। कैसा माहौल है आप बताएं? बहुत शांत व्यवस्था हुआ है जी अभी वर्तमान में तो, लेकिन अभी जनरल सेक्रेटरी का कोई पत्र नहीं आया है, जबकि दोनों ने ही संयुक्त रूप से दिया था, लेकिन उन्होंने भी आश्वासन दिया कि मैं भेज रहा हूँ जी। तब तो खुशी का माहौल हो गया। जी, बहुत फर्क पड़ गया बात का जी। ये तो गुरु साहब का कृपा है। एकदम गुरु साहब का कृपा, बिना उनके कृपा के थोड़ी कुछ होता है। चलिए और यहाँ बताइए ना। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग है जो स्थानीय कुछ हैं, और ज़्यादा सहयोग अपने सेवादार समाज कल्याण समिति वालों का है, जिसके हम आभारी हैं जी जी, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि उन लोग का सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, बताइए क्या माहौल है? आप तो खुशनुमा माहौल हो गया। अभी ठीक ही है, मगर अभी महासचिव यहाँ आएंगे, उसके बाद इसको कमरा खाली कराना है, तो विदाई करना है इसको। ये मोर्चा हमारा अभी भी लगेगा, जब तक इनका कमरा खाली नहीं कराएंगे तब तक हम सब मोर्चा चालू रखेंगे। ऐसे शांत है, कुछ शांति हुई है, मगर इसीलिए ये तो जब तक विदाई करेंगे तभी हम सब सेवादार और जितने हमारे संगत हैं, हमारे सदस्य राजा सिंह जी हैं, ढिल्लो हैं, सब साथ में मोर्चा नहीं ख़त्म करेंगे। इनको पहले विदाई करेंगे, इस गंदगी को साफ करना है, ये बहुत बड़ी गंदगी है। पहले से जो 3 दिनों में जो विवाद था, बहुत तनाव स्थिति में था, और हो सकता था कि लड़ाई भी हो सकती थी, लेकिन वो तो अब माहौल आज नहीं। वो पहले भी हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, हम सब मर्यादा के अंदर में हैं। और दूसरा, आज हरबंस सिंह जी का सचिव का चिट्ठी आया है, मगर ठीक है, उनका चिट्ठी का स्वागत करते हैं। और मेन महासचिव हैं, जो आप शांत कीजिए और इसका कमरा खाली कीजिए, यही हम चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल खुशनुमा और शांति। ये हमारे पीछे जो फोटोकॉपी आप देख सकते हैं, ये पत्र है, ये पत्र प्रबंधक कमेटी की ओर से जारी किया गया था और हरबंस सिंह जी सचिव यहाँ के, उन्होंने आज अभी जारी किए हैं कि अब पूर्व जत्थेदार रंजीत सिंह मस्किन गुरु, जहाँ गुरु के जहाँ पर जो कीर्तन होती है व पाठ होती है, वहाँ वो नहीं जाएंगे। इससे तमाम सिख, जितने भी सिख संगत सिख सेवादार है, तमाम लोगों के खुशी की लहर है। लेकिन हाँ, इनका कहना है कि हमारा आंदोलन चलता रहेगा कि जब तक यहाँ से मस्किन की विदाई नहीं हो जाए। सत श्री अकाल जी, आप बताइए। मेरा नाम जुगेश्वर सिंह है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये तो बहुत गुरु महाराज की कृपा हुई है, हमारे जितने भी कल्याण समिति के सेवादार स्टाफ लोग हैं, लोकल संगत है, इन्होंने अपने मोर्चा का संभाल कर रखे हैं। गुरु महाराज आगे कृपा करे और हमारे लोकल विधायक, जिसको विधायक बोलते हैं, हल्का नंबर 1 का सदा राजा सिंह जी का पूरा सपोर्ट है। इनके पीछे पूरी संगत लगे तैयार है, सेवादार से लेकर स्टाफ तो पूरा तैयार है। आगे गुरु महाराज कृपा जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। इस वक्त एक खुशी की खबर आई है कि हमारे प्रबंधक कमेटी के सचिव साहब जी सरदार हरबंस सिंह जी ने उस लेटर को रद्द किया है, बहुत खुशी की बात है। आगे एक हमारे महासचिव इंद्रजीत सिंह जी हैं, उनसे भी अनुरोध करूँगा कि इस पर आप विचार करके इसको भी रद्द करके आप आगे की संगत को खुशी लहर दें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो आप देख सकते हैं, इस गुरु के नगरी में पिछले 3 दिनों से लगातार विवाद और तनाव की स्थिति में गुजर रही थी, लेकिन अब का जो पत्र जब जारी हुआ है तो बिल्कुल तनाव बिल्कुल शांत हो गया है। बोले सो निहाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।